और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर बस्तर से है, जहां पर चमकी बुखार का असर देखना शुरू हो गया है। बस्तर में दो बच्चों को चमकी बुखार होने की जानकारी मिली है। बता दें, बगावंड और दरभा में दोनों बच्चे यहां के बताए जा रहे हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब जांच दल द्वारा गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। तो बस्तर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चमकी बुखार का असर अब शुरू हो गया है। बस्तर में दो बच्चों को चमकी बुखार होने की जानकारी मिली है। आशुतोष तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेके? देखिए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जापानी बुखार कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही जो डॉक्टर है हरकत में है और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टरों की टीम थी वो टीम गठित करके और प्रशिक्षण किया जा रहा था वहां पर। जो प्रशिक्षण के दौरान है जो ब्लड सैंपल लिया गया था, ब्लड सैंपल के जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये स्पष्ट हो पाया है कि जो दो बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं जो जापानी बुखार से, उसके बाद उनका इलाज डिमरापा हॉस्पिटल में किया जा रहा है और साथ ही साथ जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार ग्रामीण अंचल में प्रशिक्षण कर रही है और ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि क्या लगता है कि ये वायरस और फैल रही है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जी आशुतोष, अब तक कितने बच्चे हैं जो इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं इससे निपटने के लिए? जी देखिए, इससे पहले जो मामला निकल कर सामने आया था इसमें करीब 3 बच्चे थे जो जिसमें 1 बच्चे की मृत्यु हो गई थी और 2 बच्चे में पॉजिटिव पाया गया था। एक स्वास्थ्य सुधरने के कारण उसको रिलीव कर दिया गया और साथ ही साथ कल का मामला जो सामने आया है 2 बच्चे में और पॉजिटिव यहाँ पर पाया गया। और साथ ही साथ अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग अपना यहाँ पर तैयारी कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्र में अपना कैंप लगा के और बच्चों में प्रशिक्षण किया जा रहा है और साथ साथ इसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां पर की जा रही है। जो सावधानी बरतने के बाद भी बताया जा रहा है ग्रामीणों को कि किस तरह, जैसे कि जानकारी निकल के सामने आ रही है जो सुअर से इसका खतरा होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ग्रामीणों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर सुअर पालन किया जाता है और कहीं ना कहीं सुअर खाते भी हैं, तो उससे जो बीमारी निकल के ये सामने आ रहा है तो उससे निपटने के लिए डॉक्टर लगातार अंदरूनी क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं और इसका सलाह दे रहे हैं कि इससे कैसे निपटना चाहिए और कैसे सावधानी बरतना चाहिए। जी आशुतोष, बिहार के मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है चमकी बुखार। आपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से तमाम बड़े डॉक्टर से बात करना चाहिए, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, उनका कहना था कि जो बिहार में चमकी बुखार है वो जापानी बुखार यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो बिहार में जिस तरीके से ये सामने आया है कि बच्चे जो चमक जा रहे हैं बुखार के कारण, तो चमकने के नाम से ही जो ये बुखार का नाम चमकी रख दिया गया है। वही बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर जापानी बुखार का नाम दिया जा रहा है और यहाँ की जो डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई थी उनका कहना साफ तौर पर यही था कि हम लगातार प्रशिक्षण रहे हैं और बस्तर में ये पहली साल नहीं है, काफी पहले से चलते आ रहा है ये जापानी बुखार, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर लगातार तैयार रहते हैं। लेकिन अगर लापरवाही की भी बात करें तो डॉक्टरों की लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि जिस तरीके से जब मालूम है कि बस्तर में छत्तीसगढ़ में जापानी बुखार का कहर बरपा है और बहुत बच्चे भी इससे मृत्यु हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए। लेकिन ये लापरवाही दिखी जिसके कारण 1 बच्चे की मृत्यु हुई है और हालांकि उस मृत्यु के बाद जो डॉक्टर हैं, जो आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य के आला अधिकारी हैं, वो हरकत में आए हैं और व्यवस्था सुधारने की यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है इसकी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।